यस, हेलो हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, आई आई वेलकम वेलकम ऑल ऑल ऑफ ऑफ यू यू ऑन ऑन माय माय वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स. आई आई एम एम सीएस सीएस मयंकरवाल, मयंकरवाल, कंपनी कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरी बाय बाय क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एंड एंड इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स फैकल्टी फैकल्टी ऑन ऑन अनअकैडमी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म. आई आई एम एम एविंग एविंग टीचिंग टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ऑफ ऑफ 10 10 ईयर्स ईयर्स और और आज आज मैं मैं आप आप लोगों लोगों के के सामने सामने उपस्थित उपस्थित हुआ हुआ हूँ हूँ एक एक नया नया कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लेके, लेके, दैट दैट इज इज ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट. बजट. जैसे जैसे कि कि आप आप सबको सबको पता पता है है कि कि बहुत बहुत शॉर्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हम हम बहुत बहुत ही ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो जो है है वो वो शॉर्ट शॉर्ट पीरियड पीरियड में में कंप्लीट कंप्लीट कर कर रहे रहे हैं हैं अंडर अंडर दिस दिस सीरीज, सीरीज, जिसमें जिसमें नया नया टॉपिक टॉपिक है है वो वो है है ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट. बजट. चलिए चलिए शुरू शुरू करते करते हैं हैं आज आज का का जो जो टॉपिक टॉपिक है. है. देखिए, देखिए, सबसे सबसे पहले पहले गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट बजट समझते समझते हैं हैं कि कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट बजट क्या क्या होता होता है. है. तो तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट बजट एक एक ऐसा ऐसा एनुअल एनुअल फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट है है जो जो सरकार सरकार के के द्वारा द्वारा बनाया बनाया जाता जाता है, है, जिसमें जिसमें सरकार सरकार बताती बताती है है कि कि आने आने वाले वाले साल साल में में कौन 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 से से सोर्सेस सोर्सेस हैं हैं जिससे जिससे उनको उनको पैसा पैसा आ आ सकता सकता है है और और कहाँ 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 वो वो खर्च खर्च करने करने वाले वाले हैं. हैं. इसका इसका पूरा पूरा ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट, इसका इसका पूरा पूरा प्लान प्लान वो वो लोग लोग संसद संसद में में रखते रखते हैं, हैं, जिससे जिससे किस किस देश देश को को पता पता चलता चलता है है कि कि सरकार सरकार के के पास पास कहाँ 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 से से और और कितना कितना रेवेन्यू रेवेन्यू आ आ सकता सकता है है और और सरकार सरकार उसको उसको कहाँ 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 खर्च खर्च करने करने का का प्लान प्लान कर कर रही रही है. है. इसीलिए इसीलिए यहाँ यहाँ पे पे एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड रिसीट्स रिसीट्स और और एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर लिखा लिखा हुआ हुआ है, है, क्योंकि क्योंकि ये ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं नहीं होता होता है, है, ये ये एक एक एस्टिमेशन एस्टिमेशन होता होता है है कि कि यहाँ 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 से से हम हम पैसा पैसा ला ला सकते सकते हैं. हैं. ठीक ठीक है, है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट्स हम हम लेते लेते हैं. हैं तो तो देखिए, देखिए, जो जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट बजट होता होता है है वो वो तीन तीन लेवल लेवल पे पे बनाया बनाया जाते जाते हैं, हैं, एक एक होता होता है है सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट का का बजट, बजट, दूसरा दूसरा स्टेट स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट का का बजट बजट और और तीसरा तीसरा लोकल लोकल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट. सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट मतलब मतलब मोदी मोदी सरकार, सरकार, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट मतलब मतलब जो जो भी भी आपकी आपकी स्टेट स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट की की सरकार सरकार है. है, जैसे जैसे हमारे हमारे राज्य राज्य छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में में भूपेश भूपेश बघेल बघेल की की सरकार सरकार है, है, तो तो भूपेश भूपेश बघेल बघेल की की जो जो सरकार सरकार है है वो वो अपना अपना एक एक बजट बजट तैयार तैयार करेगी करेगी और और लोकल लोकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट मतलब मतलब जो जो म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपैलिटी है है वो वो अपना अपना एक एक बजट बजट तैयार तैयार करती करती है. है. तो तो तीनों तीनों लेवल लेवल पे पे आपका आपका बजट बजट प्रिपेयर प्रिपेयर होता होता है. है. लेकिन लेकिन इस इस चैप्टर चैप्टर में में जो जो हम हम लोग लोग बजट बजट के के बारे बारे में में पढ़ पढ़ रहे रहे हैं हैं वो वो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट के के द्वारा द्वारा जो जो प्रिपेयर प्रिपेयर किया किया जा जा रहा रहा है है उसके उसके बारे बारे में में पढ़ पढ़ रहे रहे हैं, हैं, दैट दैट इज इज यूनियन यूनियन बजट. बजट. ठीक ठीक है, है, उसके उसके बाद बाद हम हम बात बात करते करते हैं हैं कि कि सरकार सरकार जो जो है है ये ये बजट बजट बनाती बनाती क्या क्या है. है. तो तो सरकार सरकार के के कुछ कुछ खास खास मकसद मकसद होते होते हैं हैं बजट बजट बनाने बनाने के के लिए. लिए. वो वो मकसद मकसद क्या क्या है है वही वही हम हम लोग लोग का का ये ये टॉपिक टॉपिक है. है. व्हाट व्हाट आर आर द द ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट? बजट? लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड इट. इट. ठीक ठीक है, है, तो तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो जो है है वो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले प्ले करती करती है है लोगों लोगों की की भलाई भलाई के के लिए, लिए, जनता जनता की की भलाई भलाई के के लिए. लिए. तो तो सरकार सरकार जो जो भी भी फैसले फैसले लेती लेती है है या या जो जो भी भी वो वो बजट बजट तैयार तैयार करती करती है, है, उनका उनका मेन मेन उद्देश्य उद्देश्य होता होता है है कि कि जिससे जिससे जनता जनता की की भलाई भलाई कैसे कैसे हो हो और और जनता जनता की की भलाई भलाई एंश्योर एंश्योर करने करने के के लिए लिए वो वो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेट सेट करते करते हैं, हैं, जिसमें जिसमें तीन तीन प्रमुख प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स हैं. हैं. सबसे सबसे पहला पहला है है एलोकेशन एलोकेशन फंक्शन, फंक्शन, दूसरा दूसरा है है रिडिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फंक्शन और और तीसरा तीसरा है है स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन फंक्शन. फंक्शन. आइए आइए एक 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 करके करके समझते समझते हैं हैं क्या क्या होता होता है है एलोकेशन एलोकेशन फंक्शन, फंक्शन, क्या क्या होता होता है है रिडिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फंक्शन और और क्या क्या है है स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन फंक्शन. फंक्शन. एलोकेशन एलोकेशन फंक्शन फंक्शन में में सरकार सरकार क्या क्या करती करती है? है? देखिए, देखिए, सरकार सरकार एलोकेशन एलोकेशन का का मतलब मतलब क्या क्या है? है? डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करना. करना. अब अब देखिए, देखिए, सरकार सरकार बहुत बहुत सारे सारे ऐसे ऐसे गुड्स गुड्स एंड एंड सर्विसेज सर्विसेज प्रोड्यूस प्रोड्यूस करती करती है है जो जो जनरली जनरली प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर्स प्लेयर्स नहीं नहीं करते करते हैं हैं या या प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर प्लेयर नहीं नहीं करना करना चाहते चाहते या या उससे उससे हिचक हिचक सकते सकते हैं. हैं. दूसरा, दूसरा, सरकार सरकार ऐसे ऐसे गुड्स गुड्स एंड एंड सर्विसेज सर्विसेज प्रोवाइड प्रोवाइड करती करती है है जिससे जिससे पब्लिक पब्लिक एट एट लार्ज लार्ज जुड़े जुड़े हुए हुए हैं. हैं. उदाहरण उदाहरण के के तौर तौर पे पे जैसे जैसे रोड्स रोड्स का का कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन करना. करना. अब अब रोड रोड के के कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में में बहुत बहुत हजारों हजारों करोड़ करोड़ का का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आता आता है है जो जो प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर प्लेयर नहीं नहीं करते, करते, इसलिए इसलिए सरकार सरकार वो वो खर्चा खर्चा उठाती उठाती है. है. दूसरा, दूसरा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस पुलिस का, का, अदालत अदालत का, का, ये ये सारे सारे जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, पार्ट, आईएएस आईएएस ऑफिसर, ऑफिसर, आईपीएस आईपीएस ऑफिसर ऑफिसर जो जो हो, हो, इन इन लोगों लोगों का का जो जो खर्चा खर्चा है है वो वो भी भी सरकार सरकार के के द्वारा द्वारा किया किया जाता जाता है. है. डिफेंस डिफेंस सेक्टर सेक्टर का का जो जो खर्चा खर्चा है है वो वो भी भी सरकार सरकार के के द्वारा द्वारा किया किया जाता
अब ये सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज सरकार प्रोवाइड कर रही है, इसमें जो भी खर्चा आता है उसके लिए सरकार बजट बनाती है। तो पहला जो फंक्शन है वो है एलोकेशन फंक्शन, जिसके तहत सरकार इन सभी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। जो भी गुड्स सरकार के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं उसको हम कहते हैं पब्लिक गुड्स। तो गुड्स को बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स। ठीक है, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? तो पब्लिक गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जो लोग कलेक्टिवली यूज करते हैं, उदाहरण के तौर पे रोड, ब्रिज, डैम, ये सब पब्लिक यूज करती है, इसमें किसी का कोई हिस्सेदारी नहीं होता, इसलिए इसको नॉन राइवलरियस और नॉन एक्सक्लूडेबल कहा जाता है। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरियस और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं राइवलरियस और एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है। राइवलरियस का मतलब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई चीज कंज्यूम करने से रोकता है तो उसको हम कहते हैं वो राइवलरियस है। इसका मतलब ये है कि एक गुड्स को एक से ज्यादा पर्सन यूज नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैंने कोई बिस्किट खरीदा, उसको सिर्फ मैं खा रहा हूं क्योंकि मैंने उसके लिए पे किया है, तो वो गुड्स क्या कहलाएगा? राइवलरियस और एक्सक्लूडेबल। अगर कोई भी व्यक्ति बिना मुझसे पूछे उसको लेना चाहेगा तो मैं उसको रोक सकता हूँ। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज राइवलरियस एंड एक्सक्लूडेबल। मतलब एक पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन को किसी चीज कंज्यूम करने से रोकता है, क्यों? क्योंकि उसने उसके लिए पे नहीं किया है, तो हम उसको राइवलरियस एंड एक्सक्लूडेबल कहेंगे। तो जो पब्लिक गुड्स होता है उस
को यूज करने से कोई रोक नहीं सकता है, जैसे रोड है। अब रोड पे चलने के लिए आप किसी दूसरे पर्सन को रोक नहीं सकते क्योंकि वो रोड पब्लिक गुड्स है, इसीलिए वो नॉन राइवलियस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल कहा गया है। प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जनरली राइवलियस या और एक्सक्लूडेबल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पार्ले जी का बिस्किट कंज्यूम किया, उसमें मैं किसी दूसरे पर्सन को रोक सकता हूँ उसे खाने से बिकॉज उसके लिए मैंने पे किया है। नेक्स्ट है बात करते हैं यूजर की, तो यहाँ पे जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो जनरली फ्री राइडर्स होते हैं। फ्री राइडर्स का मतलब उसके लिए वो कुछ पे नहीं करते हैं, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उदाहरण के तौर पर रोड के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा डायरेक्टली, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि भाई इसी को इसके लिए तो हमने टैक्स पे किया, दैट इज इनडायरेक्ट, कि आपका टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो सरकार तय करेगी, आप तय नहीं करोगे। ठीक है, तो जनरली यूजर्स ऑफ द पब्लिक गुड्स आर फ्री राइडर्स, दैट इज दे डू नॉट पे द मनी डायरेक्टली फॉर यूजिंग द पब्लिक गुड, जबकि प्राइवेट गुड्स के जो यूजर्स होते हैं वो नॉन फ्री राइडर्स होते हैं, मतलब उनको पे करना होता है कोई भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग समझ लेते हैं। प्राइवेट गुड्स के केस में कोई भी जो पे नहीं करता है उसको बेनिफिट्स एंजॉय करने से रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन जो है वो टिकट परचेज नहीं करता है तो उसको सिनेमा हॉल में एंटर करने की इजाजत नहीं होगी क्योंकि उसने उसके लिए पे नहीं किया है। हालांकि पब्लिक गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है, कोई भी पर्सन जो है वो उसको यूज कर सकता है। दूसरा फंक्शन जो यहाँ पर आता है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पहला हम लोगों ने पढ़ा एलोकेशन फंक्शन, जिसमें सरकार तय करती है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, उसके लिए उनको जो पैसों की जरूरत होती है उसके लिए ही वो बजट बनाते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? एलोकेशन फंक्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब सरकार ये एम करती है कि भाई इनइक्वालिटीज को हटाया जाए, मतलब रिच और पुअर के बीच का जो गैप है इसको कम किया जाए। तो ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों के बीच में जिससे इक्विटी आए, उसके लिए सरकार रिडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम को, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा या रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, समझिएगा। सरकार का खुद का कोई पैसा नहीं होता, सरकार जनता के पैसे से ही काम करती है और जनता के ऊपर ही खर्च करती है। तो यहाँ पे जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगाती है सरकार, उससे जो भी उनके पास अमाउंट आता है वो उसे गरीब लोगों के भलाई के लिए खर्च करती है थ्रू सब्सिडी। सो द रिडि देयर इज अ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बाय इंपोजिंग हेवी टैक्सेस ऑन रिच एंड स्पेंडिंग द अमाउंट फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल थ्रू सब्सिडी। अब जो गवर्नमेंट इंपोज करती है टैक्सेस वो जनरली ऐसे गुड्स पर करती है जो या तो एडिक्टिव हो, जैसे दारू सिगरेट और भी किसी प्रकार के नशीले पदार्थ हो, या बहुत महंगी गुड्स जो लग्जरी गुड्स होते हैं जो इसको जनरली अमीर लोग यूज करते हैं। तो देखिए सरकार भी ये सोचती है कि उनसे ही पैसा लिया जाए जो समर्थ है देने में, और उनके ऊपर खर्च किया जाए जिन जो समर्थ नहीं है किसी चीज को अफोर्ड करने में। तो गवर्नमेंट लग्जरी गुड्स, हार्मफुल गुड्स और जो रिच पीपल है उनकी इनकम के ऊपर टैक्सेस लगाती है, जिससे रिच लोगों की इनकम थोड़ी कम होती है और उसकी मदद से हम गरीब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ऑब्वियसली बात है कि अगर अमीर लोगों से हम पैसा लें और गरीबों पर खर्च करें तो इनके बीच का जो गैप है वो कम होगा, इससे कि इनइक्वालिटी भी कम होगी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सरकार जो है वो रीजनल इक्वालिटी को भी प्रमोट करती है, और रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट कैसे करेगी, तो सरकार ऐसे एरियाज पे फोकस करती है जो थोड़े बैकवर्ड है। बिजनेस यूनिट्स को एक लालच दिया जाता है कि अगर आप ऐसे बैकवर्ड एरियाज में अपना बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं जो थोड़े पिछड़े हैं तो आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा, सरकार के द्वारा कुछ फैसिलिटीज भी मिलेगी और बहुत सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। इससे फायदा क्या होगा कि जब बिजनेस यूनिट उन एरियाज में जाएंगे जो थोड़े पिछड़े हुए हैं तो वहां पर रिसोर्सेस अपने आप आएंगे, जिससे कि आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे कि आसपास के लोग ज्यादा बेहतर स्थिति में आएंगे और सरकार भी वहां के रिसोर्सेस को बढ़ाएगी, जैसे रोड कंस्ट्रक्ट करना, बिजली लगाना, पानी की व्यवस्था कराना, ये सब चीजें। तीसरा और लास्ट फंक्शन है स्टेबिलाइजेशन फंक्शन। स्टेबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्थिर करना। तो देखिए होता क्या है कि अर्थव्यवस्था कभी बहुत ही ज्यादा तेज गति से रहती है, कभी बहुत ही धीमी हो जाती है, मतलब कभी महंगाई आती है, कभी मंदी आती है। तो गवर्नमेंट बजट जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मतलब महंगाई और मंदी को कंट्रोल किया जा सके, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके।
अभी ये इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है ये दो केसेस में अराइज होती है, मतलब जो अस्थिरता है वो दो तरीके से आती है। पहला, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे अत्यधिक मांग है किसी चीज की, दैट इज नोन एज एक्सेस डिमांड। इस सिचुएशन में होता क्या है कि डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से गुड्स के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। ठीक, गवर्नमेंट क्या करती है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, अगर डिमांड ज्यादा हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल है, इसलिए वो ज्यादा खर्च करना चाह रही है और ज्यादा डिमांड कर रही है, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो सरकार सोचती है कि भाई इनसे पैसा कैसे लिया जाए, तो सरकार कहती है चलो इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देते हैं। दूसरा, सरकार करती है कि जो वो सब्सिडी वगैरह दे रही थी या जो भी वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही थी उसको कम कर देती है, ताकि उनके पास जो है वो पैसा कम हो, किनके पास, जनता के पास। इसकी मदद से एग्रीगेट डिमांड को कम करती है और सिचुएशन को कंट्रोल में लाती है, दिस इज नोन एज स्टेबिलाइजेशन। उल्टा सिचुएशन यहाँ पे अगर ऐसा है कि एग्रीगेट डिमांड अगर कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में जो मंदी का कारण है, इस केस में सरकार सोचती है कि एक काम करते हैं यार, इनके पास पैसा नहीं है, मांग हो नहीं रही है, सप्लाई ज्यादा हो गया, प्राइसेस एकदम कम होते जा रहे हैं, व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, काम करते हैं टैक्सेस को कम करते हैं, इनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, मतलब खर्च करने के लिए जो पैसा है वो ज्यादा बचेगा, जिससे कि लोग डिमांड करेंगे और स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार तीन फंक्शन मेनली परफॉर्म करती है, एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ये सारे फंक्शंस एनसीईआरटी के हिसाब से दिए गए हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से ये तीन फंक्शंस हैं। बाकी आपको रेफरेंस बुक्स में अलग अलग फंक्शंस दिए होंगे, आप इसको रेफर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग माई रेफर कोड MYANKCS10 और MALIVE। तो आप मेरा रेफरल कोड जरूर इस्तेमाल करें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। यहाँ पे मैं अपना सब्सक्रिप्शन का कोड लिख देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करते रहिए और अपने अपने फ्रेंड्स से जरूर इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।